हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएसजी गुरुकुल पर, जहां पर मिलती है आपको सबसे पहले खबर। यूपी TSSC आज है 24 जून, और आज यूपी TSSC का जस्ट फ्यू सेकंड पहले आ गई है नई भर्ती। आपकी प्रवर्तन सिपाही की नई भर्ती आपकी निकाली गई है। आप यहां पर देखेंगे प्रवर्तन सिपाही की नई भर्ती निकाली गई है। आज 24 जून है, तो इसका नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया गया है। यहां पर लोग सारी बातों पर चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या मांगा गया है। इंटर पास जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, तो आप यहां पर देखेंगे पूरा नोटिफिकेशन, लोग समझेंगे कौन अप्लाई कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, कितने क्या कैसा रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगा, है ना, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो प्रवर्तन कांस्टेबल मुख्य परीक्षा विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि कितनी बताई, 24 जून। इसके बाद शुल्क जमा करने की ये सब लिखा अंतिम तिथि है 4 अगस्त। प्रवर्तन सिपाही की वैकेंसी है, और वैकेंसी की कुल संख्या है 477, यानी 477 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। 477 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है, और इसमें मांगा गया है पेट 2022 के सर्टिफिकेट के थ्रू प्रवर्तन सिपाही की वैकेंसी निकाली गई है 477। अब इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया आप जानते हैं जैसे किया जाएगा, आप अपना निकाल लेंगे एडमिट कार्ड वगैरह। अब यहां पर देखते हैं पेट 2022 मांगा गया है, साफ साफ पूछा कहा गया है, फिर इसके बाद आवेदन करेंगे, है ना, उत्तीर्ण वर्ष और दुनिया भर का जो है। लास्ट में अधिमान अर्हता की बात करते हैं सीधे सीधे, है ना, ये करा के निकाल लीजिएगा, जो भी रजिस्ट्रेशन करवाइएगा लास्ट में, ये सब ना फ्रॉड ना हो जाए। 25-25 रुपए मांगने की तो आदत है, 25 रुपए आपको जमा करना है, और 25 रुपए जमा करने के बाद आपको अधिमान अर्हता में आती है, नाम बरतने में गलती, पिता के नाम में गलती, है ना, ये सब आपको दिखाया गया है। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को ही संशोधित किया जा सकता है, उसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि आप देख पाएंगे ये सब चीजें आप सही करवा सकते हैं, जैसे जेंडर किसी गलत भर गया, ये सब चीजें लिखा गया है, तो उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप यहां पर देखेंगे जो ग्रेड पे है वो प्रवर्तन सिपाही का है 5200 से 20200, ये आपका ग्रेड पे है, यानी लेवल 2 की है आपका ग्रेड पे है, है ना, और स्थायी वैकेंसी है। सबसे बड़ी बात, कुल पद की संख्या कितनी है 477। अब हम लोग देखते हैं यहां पर जो है ना वर्टिकल आरक्षण दिए जाते हैं वो सब चीजें लिखी गई है। फिर इसके बाद कहां बहुत नीचे चला गया क्या, हाँ ये आया विज्ञापन हेतु अर्हता, इंपॉर्टेंट यही है, करा इंटरमीडिएट आपने पास किया हो, इंटर आपने पास किया हो, या इंटर के समकक्ष आपके पास कुछ भी हो, तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं कांस्टेबल पद के लिए। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, रिटन एग्जाम होगा, फिर इसका फिजिकल आपका होगा, है ना। फिजिकल की बात की जाए तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम शारीरिक मानदंड है ऊंचाई, पुरुष की बात की जाए तो अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी है, अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर, अन्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी है 168 सेंटीमीटर, यानी SC के लिए, ST के लिए है 160, और बाकी जनरल OBC और SC के लिए 168। सीने की बात की जाए तो जो सिर्फ और सिर्फ आपका है ना मेल के लिए है, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 77 है, और 5 सेंटीमीटर फुला अगर मांगते हैं तो 82 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद और अगर अन्य अभ्यर्थियों के लिए, ये तो अनुसूचित जनजातियों के लिए हो गया, अन्य अभ्यर्थियों के लिए 79 सेंटीमीटर आपका है ना चेस्ट होना चाहिए, इसके बाद 5 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो 89 और 5 84 हो जाएगा। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर वक्ष फुलाव आवश्यक, न्यूनतम लिखा हुआ है, यानी कि अधिकतम ज्यादा हो सकता है, न्यूनतम है ना। आप करेंगे कुछ नहीं, ये सब ये जो एक मशीन ऐसी आती है जिम वाली, वो ऐसे करने वाली चिन अप वाली, उसको करिएगा तो ये बैक एक निकल जाएगी, तो ऐसे कर लीजिएगा, है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए ऊंचाई की बात हो गई हम लोगों की, ऊंचाई के बाद यहाँ पे महिलाओं की बात की जाए, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए जो अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई है वो 147 सेंटीमीटर है, अन्य महिला अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 152 सेंटीमीटर है। वजन की बात बताई जाए, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए, जो जीरो फिगर चल रहा है ना इस समय ट्रेंड में, है ना, तो जीरो फिगर न्यूनतम बताया 40 किलोग्राम होना चाहिए, नहीं थोड़ा खा पी लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये सी ग्रुप की है, इसके बाद अधिमान अर्हता आपको बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति के समान नंबर आ जाते हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद अगर NCC का सर्टिफिकेट है भी तो उसको पहले चुना जाएगा, और इसके अलावा अगर उसने प्रादेशिक सेना में अगर न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो तो उसको पहले चुना जाएगा, इन दोनों में पहले ऊपर वाले चुना जाएगा। आयु की बात की जाए तो 18 साल से लेकर 25 साल तक है ना, प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष से अधिक आयु ना हो, है ना, 1 जुलाई 2023 के यहाँ पर पूछा गया है।
परंतु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, क्या भारतीयों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाए। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि पहले आप क्या होगा, पहले आपका साक्षात्कार तो बंद है, आपको पता है ग्रुप सी की है वैकेंसी, तो इंटरव्यू तो होगा नहीं। इसके बाद पहले आपका क्या होगा, है ना, पहले आपका होगा क्या, कंप्यूटर पर लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, नई प्रत्यक्ष अनुसार आधार लिखित परीक्षा है तथा कंप्यूटर प्रवणता परीक्षा एवं शारीरिक मानक तथा शारीरिक फिजिकल होगा, यानी कि पहले रिटन एग्जाम होगा फिर कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, पहले रिटन एग्जाम होगा कंप्यूटर पर टेस्ट होगा और फिर इसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल की बात की जाए तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए फिजिकल में क्या है, 27 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। यदि मेल हैं आप तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 27 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ है। परीक्षा योजना की बात की जाए तो लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो जल्दी ही सूचित किया जाएगा। बाकी अभी आपको बता दूंगा, थोड़े दिन बाद ही आपको बता दूंगा सिपाही का कि क्या है इसका। इसके बाद 15 गुना बुलाने की बात की गई है। अच्छा, कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर ये था ये वन दरोगा में आपने कहा है वन दरोगा की कटाव गई है 75। सुनिएगा, वन दरोगा की कटाव 75 गई है और जूनियर असिस्टेंट जो 1262 पद हैं उसकी कटाव आप करें 78 जाएगी। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यूपी SSC हेर फेर करता है, वो कहता 15 गुना मैं बुलाऊंगा, 15 गुना बुलाऊंगा, लेकिन वो उसने वन दरोगा में बुलाया था कितना, 28 गुना, वन दरोगा में 28 से 29 गुना बुलाया था, इसलिए 75 उसकी कटाव थी, ठीक है ना। लेकिन इस बार जो यूपी SSS वाले हैं वो 1262 वाली जो वैकेंसी है उसमें वो 25 गुना के आसपास ही बुलाने की कोशिश करेंगे, 25 गुना, इसलिए मैंने 78 बुलाई है। अगर वो 28 29 30 गुना बुलाएंगे, अगर वो 30 गुना बुलाएंगे तो फिर तो 73 74 भी आ सकती है ना। लेकिन जितना मुझे पता है इस बार वो यूपी SSS में 15 गुना लिखकर, है ना, 1262 वाली वैकेंसी में वो बुलाएंगे सिर्फ कितना, 25 गुना, 24 से 25 गुना, 25 गुना के आसपास बुला रहे हैं, इसलिए मैंने 78 बताई है ना। अदरवाइज मुझे कोई कुत्ता थोड़ा काटे भाई, समझ में आ गया। हम तो चाहते हैं वो सबको बुलाए, हम भगवान करे वो सबको बुलाए, समझ में आ गया, लेकिन नहीं है ना ऐसा, ठीक है। फिर इसके बाद भारतीय महत्वपूर्ण अनुदेश, ये तो आप जानते हैं, एक्स सर्विसमैन का उत्कृष्ट खिलाड़ी है ना, ये सब चीजें आप जानते ही हैं, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें आप जानते हैं, ये तो ये नॉर्मली सी बात हमने आपको बता दी है, तो याद रखिएगा सारी बातें आपको समझ में आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो सबसे पहले न्यूज देने के लिए, है ना। आप कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो बताइएगा, और बाकी कोई अच्छा हम कर सकते हैं। मैराथन ग्राम विकास अधिकारी की चल रही है, 26 तारीख को आपका पेपर है, 27 तारीख को आपका पेपर है, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, भगवान करे, सरस्वती माता करे कि आप सभी का सिलेक्शन हो, आप जो पढ़ा है, जिसने पढ़ा है, जिसने मेहनत करी है, सिलेक्शन उसका हो, और जितने भी बेईमान है उन वो सब पकड़े जाएं, ठीक है ना। आप जितने भी लोग चिढ़ जाएंगे बेईमान के नाम से वो सब डिसलाइक करेंगे कि अरे यार मेरा पैसा चला जाएगा, इसकी भाकना लग जाए कहीं। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।